प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण ये हरा भरा परिसर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय है, जो राज्य के कुमाऊं मंडल के प्रमुख व्यापारिक नगर हल्द्वानी में स्थित है। उत्तराखंड का एकमात्र राज्य मुक्त विश्वविद्यालय होने के नाते ये पूरे प्रदेश के उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो दूरस्थ माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। बेहद कम संसाधनों से प्रारंभ होकर भी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण संसाधनों से युक्त है तथा इसने प्रगति के नित नए सोपान गढ़े हैं। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण उस समय लोगों के बीच में इतना लोकप्रिय नहीं था। परिणाम ये कि हमारा संघर्ष पहला जो था वो अपने को स्थापित करने के लिए था, लेकिन आज के समय में हम वो दौर पार कर चुके हैं। हमने एक्सपेंशन का दौर पूरा कर लिया है। अब हमारा मुख्य जो ध्येय है वो है गुणवत्ता, और इस गुणवत्ता को ही लाने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना साल 2005 में उत्तराखंड शासन के अधिनियम 23 द्वारा की गई। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 2005 में उत्तराखंड शासन के अधिनियम 23 के द्वारा की गई है, और इसमें इस वक्त लगभग 1,00,000 छात्र छात्राएं पंजीकृत हैं। इस विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य ये रहा कि जो छात्र छात्राएं हमारे मुख्य धारा से वंचित रह गए हैं या किसी तरीके की पढ़ाई उनकी छूट गई है, उनको मुख्य धारा में लाना है। और इस वक्त इस उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बहुत सारे कोर्सेज जो हैं चल रहे हैं, और इन कोर्सेज के साथ साथ शोधार्थी भी यहाँ पर पंजीकृत हैं जो अपने शोध कार्य कर रहे हैं और नई नई तकनीकों के आधार पर यहाँ पर पठन पाठन के कार्य चल रहे हैं। इसकी स्थापना के पीछे यह उद्देश्य था कि विज्ञान, मानविकी, समाज विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, प्रबंध अध्ययन व विभिन्न कौशलों की समुचित शिक्षा के माध्यम से प्रदेश के सुदूरवर्ती एवं दुर्गम इलाकों के संसाधनहीन और उच्च शिक्षा से वंचित सामान्य जन भी अपने आप को शिक्षित, सुदृढ़ व मजबूत आधार प्रदान कर सकें, जो कि उनके लिए परंपरागत विश्वविद्यालयों में कई समस्याओं के चलते सिर्फ एक स्वप्न मात्र रह गया था। RSD एक तरह से एक भूमिका निभाता है विश्वविद्यालय के पूरे जो विजन है, विश्वविद्यालय का जो दर्शन है मुक्त और दूरस्थ शिक्षा का, यानी कि ऐसे विद्यार्थी, ऐसे लोग, ऐसे शिक्षार्थी जो बहुत दूर हैं, जो विश्वविद्यालय में नहीं आ सकते हैं, परंपरागत तरीके से विद्यार्थी अध्ययन नहीं कर सकते हैं, ऐसे विद्यार्थियों को कैसे शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, उसके लिए जो एक मैकेनिज्म डेवलप हुआ है, उसके लिए जो एक व्यवस्था स्थापित की गई है, वो RSD की व्यवस्था है। अपने 16 वर्षों के इस सफर में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने अनेक उपलब्धियों को प्राप्त किया है। वर्ष 2005 में मात्र 3 पाठ्यक्रम से शुरू करके आज विश्वविद्यालय 150 से अधिक पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक संचालित कर रहा है। 13 विद्या शाखाओं वह लगभग 53 विभागों और केंद्रों के माध्यम से स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय में अपना एक एडमिशन सेल है जो प्रवेश से संबंधित सभी कार्यों को संपन्न करता है। विश्वविद्यालय में प्रवेश से संबंधित समस्त प्रक्रियाएं ऑनलाइन माध्यम से पूरी की जाती हैं। शीतकालीन व ग्रीष्मकालीन सत्र के अंतर्गत वर्ष में 2 बार एडमिशन की प्रक्रिया की जाती है। इसके अतिरिक्त सभी तरह की जानकारियां, संशोधन व फॉर्म वेरिफिकेशन के कार्य को तत्परता से इस सेल के माध्यम से किया जाता है। विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति के अनुरूप लेटरल एंट्री की भी सुविधा उपलब्ध कराता है। एडमिशन सेल के नंबर से प्रत्याशी एडमिशन संबंधित कोई भी जानकारी ले सकते हैं। इसी सेल के माध्यम से अपना स्टडी सेंटर चुनने अथवा परिवर्तित करने की प्रक्रिया भी पूरी की जाती है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर OPS नेगी जी ने अपने कार्यकाल में विश्वविद्यालय को न सिर्फ एक नई दिशा दी है
बल्कि विश्वविद्यालय के शिक्षा संबंधी विभिन्न आयामों को सुदृढ़ता प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नई विधायें, नई दिशाएं, पथ नवीन आशा का मुक्त विश्वविद्यालय अपना अभियान प्रगति का। इसी अभियान के तरह हम लोग 16 सालों में काम के पिछले 5 सालों में हम लोगों ने पूरे 12 वी के यूजीसी के 12 वी के मानक को पूरा करने के लिए, नैक के मानकों को पूरा करने के लिए बहुत अधिक मेहनत की। उत्तराखंड का दूरस्थ क्षेत्र का नागरिक किसी उम्र का हो, कहीं भी हो, कोई भी हो, वो इसमें प्रवेश ले सकता है। कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री जो है उसकी कोई सीमा नहीं है। कहीं का विद्यार्थी कभी भी और किसी समय प्रवेश ले सकता है। आज विश्वविद्यालय जिसे टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एजुकेशन के साथ में क्वालिटी एजुकेशन की तरफ बढ़ रहा है, और हमारी क्वालिटी ये है, हम योगा जैसे क्षेत्र में भी हमारे पास 80 से ऊपर छात्र छात्राएं नेट क्वालिफाई हो चुके हैं। बहुत से ऐसे छात्र छात्राएं एलुमनी हमारे हैं जो हाई कोर्ट में, जो IAS में या अन्य अच्छी प्रतियोगी परीक्षा में निकल चुके हैं। और हम तीन शब्द जो है, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, क्वालिटी को हमेशा बढ़ावा देते आए हैं। ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था को मजबूत आधार प्रदान कर लॉकडाउन जैसी कठिन परिस्थितियों के बीच ऑनलाइन कक्षाएं चलाई गई तथा परीक्षाओं को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। वहीं दूसरी तरफ विश्वविद्यालय परिसर में कुलपति आवास सहित नए अकादमिक भवन, लैब, गेस्ट हाउस, ऑडिटोरियम व कर्मचारी आवासों के निर्माण इत्यादि के वृहत कार्य को भी प्रोफेसर OPS नेगी जी द्वारा अत्यंत कुशलता के साथ संपन्न किया गया। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को स्तरीय शिक्षा देने हेतु लगभग सभी प्रमुख विभागों में शिक्षकों की स्थायी नियुक्तियां की गई। ज्ञान के परिष्कार व प्रसार हेतु विश्वविद्यालय में विभिन्न कार्यशालाएं, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस व फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आयोजित किए गए। साथ ही प्रत्येक विभाग की प्रणाली को शिक्षार्थियों की जरूरत के हिसाब से लचीला व व्यवस्थित बनाया गया है। विश्वविद्यालय की MPDD नामक इकाई दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले शिक्षार्थियों व विश्वविद्यालय के बीच एक सेतु का कार्य करती है। MPDD ने लगभग 80,000 किताबों को विभिन्न माध्यमों से रीजनल सेंटर तथा अध्ययन केंद्रों में पहुंचाया है। MPDD राज्य से बाहर के विद्यार्थियों को व राज्य में दूरस्थ जगहों पर निवास करने वाले विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री डाक के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करता है। यह विभाग 8 क्षेत्रीय कार्यालयों व 127 अध्ययन केंद्रों के साथ मिलकर कार्य करते हुए विद्यार्थियों की किताबों संबंधी प्रत्येक समस्या का निदान करता है, जिससे विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा को सुचारू रूप से बिना किसी व्यवधान के पूर्ण करने में आसानी होती है। संस्थान में लगभग 26,000 किताबों से सुसज्जित एक लाइब्रेरी सुव्यवस्थित तरीके से समस्त विद्यार्थियों, शोधार्थियों व अध्यापकों को लाभान्वित कर रही है। इस लाइब्रेरी में विभिन्न पत्र पत्रिकाओं और जर्नल्स की सुविधा भी उपलब्ध है। पुस्तकालय में अब ई-बुक्स व ई-जर्नल्स क्रय किए जा रहे हैं। भविष्य में यह पुस्तकालय डिजिटल लाइब्रेरी सुविधाओं से युक्त होगा। विश्वविद्यालय की सबसे प्रमुख कार्यकारी इकाइयों में विश्वविद्यालय के ICT विभाग की गणना भी होती है, जो विश्वविद्यालय में कंप्यूटर व्यवस्था तथा नेटवर्क से संबंधित सभी कार्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न करता है। ICT विभाग विश्वविद्यालय के इनहाउस डाटा सेंटर व समस्त सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कार्यों को सफलतापूर्वक संचालित करता है। यह विभाग ऑनलाइन एडमिशन, बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन, परीक्षा विभाग से संबंधित ऑनलाइन कार्य, स्टडी सेंटर व RSD के कार्यों जैसे अनेक महत्वपूर्ण कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न करता है। विद्यार्थियों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से इस विभाग ने विद्यार्थियों के लिए वन व्यू सिस्टम, स्टूडेंट टिकटिंग सिस्टम व e-लर्निंग प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं। वन व्यू के जरिए कोई भी विद्यार्थी लॉग इन कर अपनी समस्त जानकारी, असाइनमेंट्स व रिजल्ट देख सकता है।
इसके अतिरिक्त टिकटिंग सिस्टम के जरिए विद्यार्थी अपनी समस्या व शिकायत लिखकर टिकट जनरेट कर सकता है, जो ICT द्वारा संबंधित विभाग को तुरंत उपलब्ध कराया जाता है। ICT विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रांसक्रिप्ट उपलब्ध कराई जाती है। इन सब के अतिरिक्त ऑनलाइन असाइनमेंट, सर्वर मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट, GPS, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एवं सभी विभागों के कार्यों को पूरी तत्परता के साथ समय पर संपन्न करना इत्यादि के माध्यम से ICT विभाग विश्वविद्यालय के विकास में अभूतपूर्व योगदान प्रदान कर रहा है। इस विद्या शाखा के माध्यम से चाहे वो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज हों या जो IT बेस्ड मॉडल बेस्ड हमारे प्रोग्राम्स हैं, वो ICT जो हमारी यहाँ का उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का एक बहुत ही सशक्त केंद्र है, उसके द्वारा लगभग 2,00,000 विद्यार्थियों का डेटाबेस, उनका LMS, उसके बारे में सारी जानकारियाँ वो यहीं विश्वविद्यालय के स्तर पर दी जाती हैं। तो इस तरह से कंप्यूटर विज्ञान, IT, ICT का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है प्रौद्योगिकी के माध्यम से इस विश्वविद्यालय को आगे ले जाने में, जो मुक्त विश्वविद्यालय इस राज्य का स्टेट यूनिवर्सिटी में अकेला विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय में अपना एक शोध विभाग डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन के नाम से संचालित है। शोध विभाग UGC के मानकों के आधार व नियमावली के अनुसार अनुसंधान व शोध के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। विश्वविद्यालय में 14 विषयों में PhD कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं। इन कार्यक्रमों हेतु शोधार्थियों का चयन प्रत्येक वर्ष प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया जाता है तथा विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव देने हेतु विभाग समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों के अनुभवी वक्ताओं को आमंत्रित कर व्याख्यान, सेमिनार व कार्यशाला इत्यादि का आयोजन भी करता है। CIQA सेंटर फॉर इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस अर्थात आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन केंद्र मुक्त विश्वविद्यालय में दिन प्रतिदिन विश्वविद्यालय की दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में उच्च गुणवत्ता वाले कार्यक्रम प्रदान करने के लिए व्यापक और गतिशील आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली विकसित और स्थापित कर रहा है। इसका प्रमुख उद्देश्य समस्त गतिविधियों में गुणवत्ता सुनिश्चित करना है और इस प्रकार विश्वविद्यालय के समस्त कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित होने का लाभ विद्यार्थियों व संकाय सदस्यों को प्राप्त होगा। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन सेंटर EMPC विश्वविद्यालय के विभिन्न स्कूलों के लिए वीडियो, ऑडियो और अन्य मल्टीमीडिया सामग्री की रिकॉर्डिंग और संपादन का कार्य करता है। समय के साथ धीरे धीरे वीडियो आधारित व्याख्यानों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस सामग्री का विश्वविद्यालय के आधिकारिक YouTube चैनल UOU Live के माध्यम से प्रसारण किया जाता है। शिक्षार्थी ऑनलाइन माध्यम से इन वीडियो व्याख्यानों को देख सकते हैं। संपूर्ण ऑडियो एवं वीडियो रिकॉर्डिंग विश्वविद्यालय के आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित रिकॉर्डिंग स्टूडियो में की जाती है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का मूल उद्देश्य विश्वविद्यालय के प्रत्येक शिक्षार्थी तक विभिन्न माध्यमों से उच्च शिक्षा को पहुंचाना है। उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां इस प्रक्रिया को कठिन बनाती हैं। इस समस्या के निराकरण के लिए उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय विभिन्न तकनीकी माध्यमों का कुशलतापूर्वक उपयोग करता रहा है। दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्र के विद्यार्थियों तक सूचना एवं पाठ्यक्रम के विभिन्न आयामों की पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय स्वयं के सामुदायिक रेडियो केंद्र, YouTube चैनल, Facebook पेज, Twitter हैंडल और ब्लॉग्स का उपयोग करता है। हेलो हल्द्वानी 91.2 FM फ्रीक्वेंसी पर संचालित विश्वविद्यालय का स्वयं का सामुदायिक रेडियो केंद्र है, जिसका नियमित संचालन विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में स्थित रेडियो केंद्र द्वारा किया जाता है। इस सामुदायिक रेडियो केंद्र से नियमित रूप से विभिन्न पाठ्यक्रमों में पंजीकृत शिक्षार्थियों के पाठ्यक्रमों से संबंधित कार्यक्रम का प्रसारण होता है। इन कार्यक्रमों में शिक्षार्थियों की समस्याओं एवं शंकाओं का भी निस्तारण किया जाता है। ये रेडियो केंद्र अवकाश के दिनों में भी अपने प्रसारण लगातार करता रहता है।
विश्वविद्यालय में परीक्षा का कार्य अति महत्वपूर्ण है। इस हेतु परीक्षा अनुभाग नामक इकाई का सृजन किया गया है। परीक्षा अनुभाग विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को पूर्ण शुचिता एवं पारदर्शिता से संपन्न करता है। परीक्षा की अधिकांश प्रक्रियाएं ICT की मदद से की जाती हैं। इस व्यवस्था में समय कम लगता है और त्रुटियां भी कम होती हैं। कोई भी विद्यार्थी जो है वो हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके जो डिग्री है या सर्टिफिकेट को जो कोर्स उसने किया है उसके लिए अप्लाई कर सकता है और वो हम विद इन 3 मंथ जो है उसको प्रिंट करके पोस्ट ऑफिस के थ्रू उसको डिस्पैच करा देते हैं, जिससे उसको वो जो एड्रेस उसने दिया है उस पर उसको प्राप्त हो जाएगी। जो डिग्री और सर्टिफिकेट्स हैं वो हम डिजी लॉकर में भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि स्टूडेंट को उसको फिजिकल फॉर्म में ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जिन डिपार्टमेंट्स में डिजी लॉकर की डिग्री वैलिड होती है वो वहाँ से उसको एक्सेस करके उनको दिखा सकता है। परीक्षा अनुभाग ने कोरोना काल जैसे कठिन समय में समस्त परीक्षाओं को बिना किसी व्यवधान के सफलतापूर्वक संचालित कर अपनी सक्षमता का प्रमाण दिया है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परीक्षा अनुभाग सुधार परीक्षा, बैक परीक्षा, पुनर्मूल्यांकन, चुनौती मूल्यांकन, स्क्रूटनी, उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति देना इत्यादि कार्य भी करता है। विश्वविद्यालय परीक्षाओं का आयोजन स्थानीय परीक्षा केंद्रों में करता है, जिससे प्रदेश के अलग अलग स्थानों के परीक्षार्थियों को अपने ही क्षेत्र से परीक्षा में सम्मिलित होने की सुविधा प्राप्त होती है। परीक्षार्थी आवश्यकता होने पर नियमानुसार अपना परीक्षा केंद्र बदल सकते हैं। परीक्षा का परिणाम निश्चित समय सीमा में घोषित किया जाता है। परीक्षा अनुभाग परीक्षार्थियों की शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर करता है। विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर हल्द्वानी में शिक्षार्थियों की सुविधा के लिए मॉडल स्टडी सेंटर भी कार्य करता है। इस अध्ययन केंद्र में पंजीकृत शिक्षार्थियों के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा की जाती है। 8 सदस्यों द्वारा संचालित मॉडल स्टडी सेंटर विश्वविद्यालय के अन्य अध्ययन केंद्रों के समान ही कार्य करता है। मॉडल स्टडी सेंटर में लगभग 2389 छात्र पंजीकृत हैं, जिनकी शैक्षणिक सहायता मॉडल अध्ययन केंद्र द्वारा की जाती है। इस प्रकार उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने न सिर्फ उत्तराखंड में वरन राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। विश्वविद्यालय अपने कुशल ICT तंत्र और शिक्षकों के द्वारा बढ़ चढ़ कर शिक्षार्थियों की सहायता करने जैसी विशिष्टताओं के कारण शिक्षार्थियों के बीच लोकप्रिय हुआ है। कुछ समय पूर्व राज्य के सभी विश्वविद्यालयों से प्रतियोगिता करते हुए इस विश्वविद्यालय ने गवर्नर महोदय का रजत पदक भी प्राप्त किया। विश्वविद्यालय के विद्यार्थी IAS, UGC नेट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं में सफल हुए हैं। विश्वविद्यालय के पूर्व विद्यार्थी भारत से बाहर विदेशों में रहकर भी अपनी प्रतिभा के कारण सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय अपने सामाजिक सरोकारों के प्रति भी प्रतिबद्ध है और इस क्रम में विश्वविद्यालय ने 5 गांवों को गोद लिया है। गोद लिए गए गांवों में शिक्षा, जागरूकता, स्वास्थ्य व पर्यावरण संरक्षण इत्यादि के कार्य निरंतर चलते रहते हैं। यहाँ पे हमारी एग्जीबिशन हो रही है हल्द्वानी सिटी में, हमें इसमें सपोर्ट किया है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने। ये ऑर्गेनाइज की गई है ATP के द्वारा। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली शिक्षार्थी केंद्रित प्रणाली है और धीरे धीरे शिक्षार्थी और समाज इसका महत्व समझ रहे हैं और अब बड़ी संख्या में शिक्षार्थी दूरस्थ माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलगीत की कुछ पंक्तियां इस प्रणाली की सार्थकता को रेखांकित भी करती हैं। जहाँ ज्ञान से बिछड़ों की भी आशाओं के दीप जले, जहाँ सभी को ज्ञान यज्ञ में आहुति का अधिकार मिले, पीठ ज्ञान की मुक्त लिए रोली कुमकुम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम।